हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा ग्रुप के बारे में और कुछ उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हमने, और एक टॉपिक बचता था उस यूनिट से। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे आपको, आई होप आपने किए होंगे। तो जो नहीं हुआ मैंने कहा था आप मुझे रिप्लाई करें, लेकिन किसी स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं किया और ना ही मुझे भेजा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सारे क्वेश्चन कर गए हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है अगर कर ली है। तो एक टॉपिक बचता था उस यूनिट से इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। तो इवन एंड ऑड परम्यूटेशन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये इवन एंड ऑड परम्यूटेशन जो है ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक दो नंबर का क्वेश्चन इसके बेस पे डाल देता है। ठीक है ना, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन को पहचानो, या कहीं पर डिस्टेंट साइकिल दिए होंगे क्या बोलेगा, या इज़ इट करेक्ट और नॉट ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस यूनिट में। तो ये मैंने ये बच गया था, मैंने सोचा कि शायद नेक्स्ट यूनिट में ये, लेकिन मैंने आज बुक देखी उसमें ये सिलेबस है, आपका सिलेबस में था। तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्या चीज़ होती है। तो इवन एंड ऑड परम्यूटेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंट साइकिल क्या होता है। देखिए, साइकिल ऑफ परम्यूटेशन आपको मैंने बताया था कि अगर सपोज आपके पास एक परम्यूटेशन है 1 2 3 3 2 1, ये एक परम्यूटेशन है सपोज। ठीक है ना, अब परम्यूटेशन तो मैंने उस दिन समझाया था ना आपको, परम्यूटेशन मैंने समझाया था कहाँ पे, जहाँ पे जब मैंने S3 ग्रुप समझाया था आपको, S3 ग्रुप के बारे में पढ़ाया था कि परम्यूटेशन क्या होता है। मेरी प्रीवियस, जिसने नहीं देखा परम्यूटेशन का वो प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें परम्यूटेशन के बारे में मैंने समझाया था आपको। उसमें मैंने साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में बताया था, सिर्फ ये टॉपिक बचता था इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। तो मैं आज थोड़ा रिपीट कर देता हूँ साइक्लिक परम्यूटेशन क्या है। देखिए, अगर सपोज ये एक तुम्हारा परम्यूटेशन है रो इक्वल टू पी इक्वल टू कुछ मान लो आप, तो अब देखिए इसके डिस्टेंट साइकिल कैसे मर रहे हैं। देखो, 1 3 को जा रहा है और 3 वापस 1 को आ रहा है, मतलब 1 3 को जा रहा है और 3 वापस 1 को आ रहा है, तो ये एक साइकिल बनेगा इसका। ठीक है, और एक साइकिल बन रहा है 2 2 को जा रहा है, तो 2 2 को जा रहा है तो हम सिर्फ 2 1 ही बार लिखते हैं, और जो सेम आते हैं तो मैंने कहा था इन्हें इनवेरिएंट कहते हैं। ठीक है ना, वो मैंने पढ़ाया आपको प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इस तरीके से जो बनता है उसको बोलते हैं साइकिल। अब बात करेंगे डिस्टेंट साइकिल। डिस्टेंट साइकिल क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंट साइकिल क्या होता है, दो साइकिल को हम डिस्टेंट तब बोलेंगे जब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। मतलब दो साइकिल होंगे ना, सपोज जैसे मान लेता हूँ मैं, देखिए डिस्टेंट साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, के टू साइकिल आर सेट टू बी डिस्जॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, लिख लेना, टू साइकिल्स आर सेट टू बी डिस्जॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। दो साइकिल को हम डिस्टेंट तब कहेंगे, क्योंकि एक साइकिल के बीच में तो डिस्टेंट का कोई किस्सा नहीं आता, हमेशा दो या दो से ज़्यादा साइकिल बनेंगे तभी डिस्टेंट बता सकते हैं हम। डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो अलग हो, मतलब मैं इससे अलग हूँ, डिस्टेंट है अलग अलग है, बीच में जुड़ा हुआ मतलब फ़र्क है। ठीक है ना, तो डिस्टेंट साइकिल भी वही है कि दो साइकिल को हम डिस्टेंट तब कहेंगे अगर उनमें, इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर उन दोनों साइकिल में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। सपोज एक परम्यूटेशन में ले लेता हूँ σ1 इक्वल टू, सपोज एक ले लिया मैंने साइकिल 1 2 4, और ये बिलोंग कर रहा है किसी परम्यूटेशन S, मैंने परम्यूटेशन बताया था ना S के बारे में, तो मान लेते हैं S में। तो एक दूसरा ले लेता हूँ मैं साइकिल कौन सा 3 और 5, ये भी परम्यूटेशन S में बिलोंग कर रहा हूँ। तो अब देखिए एक ये साइकिल एक ये साइकिल, तो देखो इन साइकिल में कुछ कॉमन एलिमेंट है नहीं ना, कॉमन एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं कि σ1 जो है वो डिसजॉइंट है σ2 से। तो आई होप समझ आया कि डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए, सपोज बोले अगर कहीं पे कोई परम्यूटेशन दिया होगा तो वो ऐसे ही पूछ सकता है फाइंड द डिसजॉइंट साइकिल ऑफ दिस परम्यूटेशन, तो आप डिसजॉइंट साइकिल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक नोट करके याद रखना आपने बात, एक नोट लिख लेना कॉपी पे, कि हर एक परम्यूटेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल। कि ये जो डिस्टेंट साइकिल है ना, ये एक ये है एक ये, तो नोट ये कर लेना कि कोई भी परम्यूटेशन होगा, कोई भी मतलब हर एक एवरी परम्यूटेशन के लिए हम लिख सकते हैं कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल। कि
उन डिस्टेंस साइकिल को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम नोट लिख लेंगे कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस साइकिल, कि कोई भी परमुटेशन होगा उसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस साइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, सपोज एक ये मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज लेट कर लो सिग्मा तुम्हारा जो है परमुटेशन इस तरीके से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी टेढ़ा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसकी अमेजेस, इनको बोलते हैं अमेजेस, ठीक है ना, 2, 1, 4, 5, 6, 3 ये। अब यहाँ से अगर मैं इनके साइकिल बनाऊँ, तो साइकिल बनाओ क्या है, देखिए 1, 1, 2 को जा रहा है, 2 वापस 1 को आ रहा है, मतलब 1, 2 बनेगा एक। अब देखो 3, 4 को जा रहा है, 4, 5 को जा रहा है और 5, 6 को जा रहा है, तो इट मीन्स 3, 4, 5, 6 और 6 वापस 3 को आ रहा है, इट मीन्स 3, 4, 5, 6। अब ये साइकिल बना इसका, इसके इस परमुटेशन का ये साइकिल बना। अब देखो ये भी एक साइकिल है, ये भी साइकिल है, तो अब डिस्टेंस साइकिल मैंने बताया कि वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो देखो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो इट मींस यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम दो डिस्टेंस साइकिल को हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया हमने कि प्रोडक्ट में भी अगर दो साइकिल होंगे तो हम उन्हें भी चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नोट करके याद रख लेना। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर भी कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पूछता है, तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन देखिए क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन क्या चीज़ है, देखिए हम ये चीज़ जानते हैं ऊपर, अभी मैंने कहा कि नोट करके मैंने जो चीज़ करवाई वो चीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कि देखिए हम जानते हैं कि हर एक परमुटेशन को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल में लिख सकते हैं, ठीक है ना। हर एक परमुटेशन को हम इस तरीके से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट साइकिल लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नोट करना है। तो अब बात करते हैं अब ऑर्डर ऑफ परमुटेशन की। मान लेते हैं जी एस कोई तुम्हारा परमुटेशन है, ठीक है, मान लिया लेट एस बी एनी परमुटेशन, ठीक है। अब देन ऑर्डर ऑफ एस क्या होगा, तो देखिए ऑर्डर ऑफ एस मतलब ऑर्डर ऑफ परमुटेशन क्या होता है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिस्टेंट साइकिल, लेंथ ऑफ डिस्टेंट साइकिल जो डिस्टेंट साइकिल होंगे उनकी लंबाई का एलसीएम जो होगा वो तुम्हारा ऑर्डर होगा, ठीक है। अब कैसे, एग्जांपल सपोज एक एस है तुम्हारा, एस एक परमुटेशन ले रहे हैं हम, और उसका जब साइकिल बन रहा है तो वो इस तरीके से बन रहा है, सिग्मा इक्वल टू बन रहा है जी 2, 4, ठीक है। एक परमुटेशन लिया हमने जो बन रहा है 2, 4, ठीक है, और उसका साइकिल बन रहा है 2, 4। अब इसका निकालना हमने ऑर्डर, मतलब इस परमुटेशन का ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर मैंने बोला क्या होता है, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिस्टेंस साइकिल, कि वो जो डिस्टेंस साइकिल है ना अलग अलग उनके एलसीएम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। अब इनका एलसीएम क्या होता है, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम तो निकालना आता है ना, तो 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, तो इट मीन्स इस परमुटेशन का ऑर्डर क्या है 4, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है। अब और तरीके से भी आप अपनी तरफ से एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, और चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। सिर्फ आप इतना याद रखें कि जो भी डिस्टेंस साइकिल बनेंगे उनकी लेंथ का एलसीएम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोजिशन की, क्योंकि हमने पढ़ना है इवन एंड ऑड परमुटेशन, तो इवन एंड ऑड परमुटेशन से के कंसेप्ट में ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये आएंगी तभी आप इवन और ऑड परमुटेशन समझ सकेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ट्रांसपोजिशन की, कि ट्रांसपोजिशन परमुटेशन में क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ट्रांसपोजिशन अब है ट्रांसपोजिशन। तो देखिए ट्रांसपोजिशन क्या होता है परमुटेशन का, कि ऐसी साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। जैसे अभी हमने नहीं बनाया 1 और 2, ये एक साइकिल था जिसकी लेंथ 2 थी, तो लेंथ 2 ही है ना इसकी, तो लेंथ 2 थी, जिसकी लेंथ 2 हो उस चीज़ को, उस साइक्लिक परमुटेशन को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। मतलब एक ऐसा साइकिल, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ये सिग्मा 1, 2 ए बी, ठीक है ना,
तो इस तरीके से हम वो कह सकते हैं कि दोनों ये क्या है, बोथ आर ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। सिर्फ आपने सिर्फ देखना है कि उस साइकिल की लेंथ कितनी है, ठीक है ना। जो भी साइकिल बनेगा उनकी लेंथ को ही हम, अगर किसी साइकिल की लेंथ मान ली 1, 2, 3 इस तरीके से, तो अब इसकी लेंथ कितनी है 3, तो हम कह सकते हैं इसका ट्रांसपोजिशन कितना है 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये होता है ट्रांसपोजिशन। अब नोट करके याद रखें, आप लिखने में बोलूँगा, नोट पहला नोट याद रखें कि हर एक ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है, याद रखना। ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हर एक ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन जो मर्जी हो लेकिन उसके उसका ऑर्डर जो होता है वो हमेशा 2 होता है, ठीक है स्टूडेंट। और हर एक ट्रांसपोजिशन जो होता है वो सेल्फ इनवर्स होता है, ठीक है। सेल्फ इनवर्स मतलब सेल्फ इनवर्स क्यों, क्योंकि इसका, क्योंकि मैंने कहा ना कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है, जिसके जिसकी लेंथ क्या हो, मतलब एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो। तो देखिए 2 साइकिल, ये 2 लेंथ है, तो 2 लेंथ है, तो 2 लेंथ की बात करेंगे तो 2 सॉरी हम इधर 3 बार मैंने 3 एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 3 होगा तो 3 साइकिल बोलेंगे, नहीं ये ट्रांसपोजिशन नहीं होगा। ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब 1, 2 जैसे मैंने कहा 1, 2, तो इसका क्या होता है 1 का इनवर्स 2, 2 का इनवर्स 1, तो देखिए सेल्फ इनवर्स है, तो एक दूसरे के खुद ब खुद इनवर्स। तो इट मीन्स हम ये नोट भी लिख सकते हैं कि एवरी ट्रांसपोजिशन इज सेल्फ इनवर्स, और हर एक परमोटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि परमोटेशन दिए होंगे बहुत सारे, कई स्टूडेंट आते हैं बोल सोचते होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है ना 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा साइकिल भी तो हो सकता है। ऐसा साइकिल आपको एग्जाम में देगा, एग्जाम में वो बोलेगा इसका ऑर्डर निकालो, आप बोलो सॉरी इसका ट्रांसपोजिशन निकालो, तो आप बोलेंगे सर ने तो ट्रांसपोजिशन बताया था जिसकी लेंथ 2 हो, तो इट मीन्स यही ट्रांसपोजिशन है। नहीं, ट्रांसपोजिशन निकालना हमने, अब निकालना कैसे, देखिए इसका बनेगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, मतलब इसका पहला एलिमेंट हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, मतलब इमेज बनाएगा, फिर 2, 3, 2, 4, 2, 5, तो ये जो बने ना, ये जो बने 1, 2, 3, 4, 5, तो इनको हम एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो मतलब अब देखिए ट्रांसपोजिशन बन गया ना, हर एक की लेंथ 2, 2 होगी, तो हम यहाँ से ये नोट करके लिख सकते हैं, एक नोट ये भी कि एवरी परमोटेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, हर एक परमोटेशन को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैंने डिस्कस की, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए कुछ आप मैंने आपको एग्जांपल भी मैंने अभी एक लेके बता दिया आपको ये वाली एग्जांपल, तो आप एग्जांपल भी ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से परमोटेशन बनता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ ट्रांसपोजिशन की, आई होप फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट मैंने अभी आपको ट्रांसपोजिशन की एग्जाम्पल बताई कि अगर ये डिस्टेंट साइकिल होगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम इसको ट्रांसपोजिशन अगर इसका निकालेंगे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पेयर बना हुआ, सॉरी मैंने आपको बताया कि 1, 3, 1, 4, 1, 5 ऐसे नहीं, सॉरी फॉर दिस 1, 2 का 1, 2 पेयर बना हुआ है, तो इसका पेयर कैसे बनाएंगे 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 5, ठीक है ना। फिर हम इस तरीके से भी आगे लिख सकते हैं, सर इतना ही, बस सिर्फ इसका पहला एलिमेंट इनके साथ करना है 3, 4, 3, 5, तो ये डिस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट ट्रांसपोजिशन निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इधर, मान लिया मैंने एक परमोटेशन ये है आपके पास, अब यहाँ से मुझे इसका साइकिल बनाना है, तो साइकिल बनाने के लिए देखिए यहाँ से देखूंगा मैं, देखो 1, 4 को गया तो 4, 5 को गया 5, 1 को, इट मीन्स एक बना 1, 4, 5, क्योंकि 1, 4 को गया 4, 5 को गया 5 वापस 1 को गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से एक ये बना, एक बन रहा है 2, 6 को गया, 6, 3 को गया, 3 वापस 2 को गया 2, 6, 3, ठीक है 2, 6, 3, तो एक बन रहा लास्ट में बचा 7 और 8, तो 7, 8 को जा रहा है, 8, 7 को जा रहा है, तो 7 और 8, ठीक है। अब देखिए इसको ट्रांसपोजिशन बनाना, तो मैंने बोला ट्रांसपोजिशन वो होता है जिसकी लेंथ 2 होती है, तो अब इसकी लेंथ 2 बनेगी 1, 4 और 1, 5, ठीक है ऐसे चेंज हो जाएगा, और इसका कैसे होगा 2, 6, 2, 3, इसका कैसे होगा, इसका ऑलरेडी 8, 7 है, 7, 8 है, तो 7, 8 का 7, 8 रहेगा, तो ये बन गया ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। इस परमोटेशन का ट्रांसपोजिशन इस तरीके से निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोजिशन क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्या चीज़ है उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम इवन एंड ऑड परम्यूटेशन की। देखिए इनकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको फोटो भेज दूंगा कि इवन और ऑड परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो मैं आपको भेज दूंगा, मतलब इंग्लिश में कैसे लिखना है उसको। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखिए इवन परम्यूटेशन की बात करते हैं हम। ठीक है, अगर सपोज आपके पास एक परम्यूटेशन है, आपके पास किस तरीके से उसकी लेंथ है 1 2 3 4 5, ठीक है, एक पर साइकिल पर साइक्लिक परम्यूटेशन लिया, उसकी लेंथ ये है। तो अब इसको हमने ट्रांसपोजिशन, क्योंकि इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे, तभी मैंने ट्रांसपोजिशन समझाया। तो अब इसको ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आएगा आपके पास 1 2 1 3 1 4 1 5। अब इसको गिनो 1 2 3 4, तो 4 ट्रांसपोजिशन बने। तो इट मीन्स ये जो गिवन परम्यूटेशन था ये क्या है, इवन परम्यूटेशन। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि चेक वेदर दिस परम्यूटेशन इज इवन आर नॉट, तो आप उसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन। उसका ट्रांसपोजिशन निकालेंगे, फिर उसको गिनेंगे कि इवन में है या ऑड में। तो 1 2 3 4 बने, तो 4 इवन होता है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं इवन परम्यूटेशन। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इवन परम्यूटेशन अम्प्लाइज करता है इवन परम्यूटेशन, अगर इवन ट्रांसपोजिशन, इवन ट्रांसपोजिशन अम्प्लाइज इवन परम्यूटेशन, अगर ट्रांसपोजिशन तुम्हारी इवन है तो वो परम्यूटेशन इवन होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एक साइकिल की लेंथ सपोज एन है, उसको हम इवन या ऑड तब बोलेंगे अगर एन तुम्हारा ऑड या इवन होगा। मतलब जैसे ये है साइकिल, सपोज ये साइकिल बना 1 2 1 3 1 4 1 5, अब इसको इवन तब कहेंगे अगर नंबर ऑफ, मतलब एन इवन या ऑड होगा, तो नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट ट्रांसपोजिशन इसमें कितने होंगे, तो 1 2 3 4 है, तो इट मीन्स इवन है। ठीक है, अगर ये 5 होते तो हम बोलते ऑड है। तो यहाँ से एक और आइडिया लगा आपको कि अगर परम्यूटेशन ऑड में है तो उसका रिजल्ट इवन में होगा, अगर परम्यूटेशन ऑड इवन में है तो उसका रिजल्ट ऑड इवन में ही रहता है शायद, या ऑड में हो, सॉरी 1 2 1 3 1 4, हाँ तो वो ऑड में रहेगा। ठीक है ना, इवन वाला इवन में ही रहता है लेकिन ऑड वाला इवन में हो जाता है। तो ये ऑड वाला था ना, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर होता है, तो 5 परम्यूटेशन ऑड में था लेकिन उसका जब हमने इवन परम्यूटेशन निकाला तो हमने उसका ट्रांसपोजिशन निकाला तो वो इवन इवन बन गया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ से आप एक लिख भी सकते हैं एग्जांपल और भी कि 5 साइकिल जो होता है वो इवन परम्यूटेशन होता है। ये जो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये 5 साइकिल है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 साइकिल इज एन इवन परम्यूटेशन और 4 साइकिल इज एन ऑड परम्यूटेशन। सॉरी मैंने बोला कि इवन इवन ही रहता है, नहीं, अगर इवन होगा तो वो ऑड परम्यूटेशन हो सकता है। आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि 5 साइकिल इज इवन परम्यूटेशन एंड 4 साइकिल इज ऑड परम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, ये 4 साइकिल है, तो इसका बनेगा 1 2 1 3 1 4, तो 1 2 3 बन रहे हैं। तो इट मीन्स इवन अगर साइकिल होगा तो वो ऑड परम्यूटेशन बनेगा, अगर ऑड साइकिल होगा तो वो इवन परम्यूटेशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा क्या होता है। तो उसके बाद तीसरी एग्जांपल आप ये याद रखें कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। अगर सिर्फ एक ही परम्यूटेशन होगा, आइडेंटिटी मतलब एक ही होगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता ना 0 1 1 0, तो इस तरीके से अगर आइडेंटिटी हम निकालते हैं किसी परम्यूटेशन में, या 0 आइडेंटिटी होगी या 1 आइडेंटिटी होगी, तो अगर कहीं भी आइडेंटिटी आ जाएगी तो हम बोलेंगे इवन परम्यूटेशन है। तो अब हर एक ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परम्यूटेशन, हर एक ट्रांसपोजिशन जो होगा वो ऑड परम्यूटेशन होगा। ट्रांसपोजिशन, एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जिसकी लेंथ 2 हो, तो 2 जिसकी लेंथ 2 हो, सॉरी नहीं ये नहीं ये सॉरी ये गलत बोलती है मैंने, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन, ये याद रखेंगे एक एग्जांपल। अब उसके बाद अब आई होप आपको समझ आया होगा कि इवन और ऑड दोनों क्या होते हैं। ठीक है ना, मैंने दोनों को समझा दिया है, जिसका साइकिल अगर 5 होगा वो इवन परम्यूटेशन होगा, जिसका साइकिल अगर 4 होगा तो वो ऑड परम्यूटेशन होगा। ये एक आइडिया दिया मैंने आपको, आप साइकिल लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में वो पूछेगा परम्यूटेशन दिया होगा या साइकिल दिया होगा, बोलेगा इवन और ऑड इसमें निकालो, तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ट्रांसपोजिशन निकालेंगे फिर जो आएगा वो आप गिनोगे, अगर इवन में होगा तो इवन, ऑड में होगा तो ऑड। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इवन या ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है। अगर सपोज आपके पास एक परम्यूटेशन है, सपोज मैं ले लेता हूँ एक परम्यूटेशन लेता हूँ मैं सिग्मा इक्वल टू ले लेता हूँ सपोज
वन टू थ्री, और दूसरा को रो ले लेता हूँ, रो से डिनोट करता हूँ दूसरा को, और परमुटेशन है जो थ्री फोर फाइव है, ठीक है ना। अब जब इसका मैं प्रोडक्ट निकालूंगा मतलब सिग्मा इंटू रो करूंगा तो ऐसे आएगा वन टू थ्री, सॉरी वन टू थ्री, हाँ तो इंटू थ्री फोर फाइव। तो देखिए जब इसका प्रोडक्ट करूंगा तो ऐसे आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, रिपीट नहीं करेंगे हम, वन टू थ्री वापस थ्री नहीं लिखेंगे, फोर फाइव। जितने एलिमेंट होंगे उन सारों को इकट्ठा करके क्लब करके एक साइकिल बना लेंगे, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमुटेशन, ठीक है। अगर ऑड होगा तो ऑड या इवन ऑड ऑड होंगे तो हम तब भी करेंगे, अगर इवन इवन होगा तो तब भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं ये क्या नाम है, अब प्रोडक्ट ऑफ एक और मतलब एक ये पार्ट एक सपोज मैंने ये बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन के सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज एन ऑड परमुटेशन। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमुटेशन, अगर एक इवन हो दूसरा ऑड परमुटेशन हो, अगर उनका प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा ऑड ही रहता है। जैसे एग्जांपल एक ले लेता हूँ मैं, सपोज वन टू थ्री लिया था तो दूसरी ले लेता हूँ एग्जांपल सपोज वन टू थ्री फोर, ठीक है ना। तो इनका जब मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मैंने कहा आपको कि प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमुटेशन हमेशा ऑड ही रहता है। तो ये देखो ये एक इवन लिया ये एक ऑड लिया, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है ऑड। तो देखते हैं चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑड होता है कि नहीं, वन टू थ्री इंटू वन टू थ्री फोर। तो देखिए आपके पास एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास वन टू थ्री फोर, ये आ रहे हैं वन टू थ्री फोर, तो वन टू हाँ वन टू थ्री फोर। तो देखिए ये बना, अब ये क्या है आप बोलोगे एक दो तीन चार ये इवन है लेकिन ये ऑड है भाई, इसका आगे अगेन निकालो ना, इसका अगेन आगे इसके साइकिल निकालेंगे ट्रांसपोजिशन, क्योंकि इवन और ऑड कैसे चेक किए जाते हैं, इसका ट्रांसपोजिशन निकालते हैं। तो ट्रांसपोजिशन करेंगे वन टू वन थ्री वन फोर, तो बन गया ना ऑड। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमुटेशन इज ऑड होता है, और दो ऑड परमुटेशन इवन होता है। मैंने सॉरी आपको बोला कि दो ऑड ऑड होता है, नहीं दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन रहता है। ये आप एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, जैसे मैंने इधर एग्जांपल ही ना एक ऑड और एक इवन, तो वापस रिजल्ट निकाला। ऐसे ही आप दो ऑड लेंगे, अगर सपोज दो ऑड लिए मैंने, अगर सपोज इधर ले लिया मैंने थ्री फोर फाइव, ठीक है ना, तो थ्री फोर फाइव ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ठीक है, तो थ्री फोर फाइव, तो आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे वन टू थ्री फोर और फाइव। तो वन ये कौन सा साइकिल बना, पांच फाइव साइकिल बना। तो फाइव साइकिल मैंने पीछे कहा क्या होता है, फाइव साइकिल इवन परमुटेशन होता है। तो इट मींस प्रोडक्ट ऑफ टू टू ऑड परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं।